हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू मॉम्स लवेबल गैली। आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं पानी पूरी। पानी पूरी बनाने के लिए हमने ले रखी है यहाँ पे रवा और सूजी। 2 कप सूजी लेनी है हमको। साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। 1/2 कप मैदा हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। ये हमने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर यूज किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। दो चम्मच ऑयल है। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। इसे पूरे में अच्छे से मिक्स करना है जिससे कि ऑयल पूरे में मिक्स हो जाए। अब हम इसका एक डो बना लेंगे। डो बनाने के लिए हमने यहाँ पे हल्का गर्म पानी यूज़ किया है। आपको भी इसका गर्म पानी ही यूज़ करना है। और अब हम इसका अच्छे से सॉफ्ट डो बना लेंगे। डो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। इस आटे को हमको कम से कम 10 मिनट के लिए लगातार ऐसे ही गूंथते रहना है। अब हमारा डो रेडी हो चुका है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इसे भी ऐसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है। हमारा डो रखा हुआ है 10 मिनट के लिए। तब तक हम अपने आलू बनाते हैं। आलू बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है उबले हुए आलू। अब हम इसमें ऐड करेंगे चटनी। ये होममेड, अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिल्ली पाउडर 1/2 चम्मच। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और हींग ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी खटाई डालेंगे 1/2 चम्मच और मिक्स करते जाएंगे। अब हमारा आलू बनके तैयार है। बंद करो इसे, बंद करो। अब हम बनाएंगे पानी पूरी के लिए पानी। पानी पूरी का पानी बनाने के लिए हमने यहाँ पे पानी ले रखा है। उसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच धनिया का पेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अमचूर पाउडर। हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला 1/2 चम्मच और हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। नमक स्वाद अनुसार। और काला नमक 1/2 चम्मच। और इसमें ऐड करेंगे हींग 1 चुटकी।
अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस भी चाहिए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हमारे कोई भी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आने पर आप उसे मिक्स ना कर सकें। डिनर रेस्ट कर लिया है और आलू पानी सब रेडी हो चुका है। अब हम पराठे बनाएंगे, उसको बेलेंगे, उसको ज़्यादा लंबा नहीं करना है। ऐसे ही हमें अपने सारे के सारे पराठे बेल लेने हैं। तो अब हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें पराठे डालेंगे। देखे तो लोग क्या देखिए कितने अच्छे से फूला हुआ है ये। ऐसे ही हम सारे डाल देंगे। आपका तेल गरम होना चाहिए। कितना अच्छा हो गया वो जिसे हमने फर्स्ट नंबर पर फ्राई किया था। देखिए इसका कलर। ऐसे अपने हम सारे बैच इसको फ्राई कर लेंगे। तो अब हमारे सारे बैच फ्राई होके रेडी हो चुके हैं। अब हम आपको खा के दिखाते हैं, फोड़ के दिखाते हैं। इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, इतने क्रंची बने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।